Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine and I'm also fine guys. This video that I'm going to make it completed and I hope that it will definitely prove very important, very beneficial in your life improvement, in your knowledge improvement. So the topic of this video is that a formula. This video is based on a formula. What formula? That is very important. I wanna mention this formula. If you can implement this formula in your life, then you can succeed in your life. Of course, this video is not only for students, for children, but also this video is for adult person, for their parents, for anybody else that anyone can hear it, listen it and implement in his or her life. That is very important in my sight and to you that, of course. तो गाइज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि ये एक फार्मूला बेस्ड है और मुझे लगता है कि जो फार्मूला मैं इसमें बताने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है. यदि आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर गए तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला जो मैं मेंशन करूँगा. और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसको डेफिनेटली अपनी लाइफ प्रोसेस में, अपनी वर्किंग प्रोसेस में इसको इम्प्लीमेंट करोगे और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको डेफिनेटली आप विजुलाइज़ करोगे उन चीज़ों की. हाँ, कुछ चीज़ें बेटर हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, विजुलाइज़ होंगी वो सारी चीज़ें, वो सारे अफेक्ट, वो सारे इम्पैक्ट जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जिन चीज़ों को, उन पर जो भी पॉजिटिव अफेक्ट होता है उसको डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करोगे उस चेंज को. तो फॉर्मूला गाइस ये है कि ई एक लेटर होता है, ई ए बी सी डी ई, ई लेटर आता है अल्फ़ाबेट के अंदर. अल्फ़ाबेट लैंग्वेज में एक ही होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेटिव जो मैं बात आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दैट हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. डजंट मैटर अबाउट दैट इंग्लिश, यू कैन से दैट इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कितना अल्फ़ाबेट होता है ये बहुत एक कन्फ्यूजन का एक टॉपिक रहता है या फिर एक सस्पेंशन क्रिएट करता है हमेशा, क्योंकि हमको लगता है कि लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना. तो लेटर्स लेटर्स होते हैं, उनको अक्षर बोलते हैं और अल्फ़ाबेट वर्णमाला होता है जो सिर्फ एक ही होता है हर भाषा में. तो अल्फ़ाबेट में एक लेटर आता है ई, ई प्लस आर. आर भी एक लेटर कंसिडर होता है डेफिनेटली. मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ताकि आप इनको रिलेट करके देख सको कि है कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है उसी का पार्ट है. तो ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ. ओ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लेटर, इट हैज़ इट्स ओन डिफरेंट एट साउंड्स. ओ एक ऐसा लेटर है जिसके अपने आठ अलग अलग साउंड होते हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड अपना देता है. तो ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ. ये महज लेटर्स नहीं हैं जो मैं मैंशन कर रहा हूँ, इनका फुल फॉर्म बताएंगे तो बहुत इफेक्टिव लगेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा. ई गाइज स्टैंड्स फॉर इवेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स. डोंट से रिएक्ट, रिएक्ट वर्सेज रिस्पॉन्स देर इज अ डिफरेंस. रिएक्ट से गाइज आउटकम पर बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है. रिएक्ट और रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. वैसे कहने के लिए दोनों का फर्स्ट जो वर्ड का लेटर्स जो है ये आर आर होते हैं दोनों में, एक एक जो भी लेटर फर्स्ट अगर बात करें तो आर स्टैंड्स फॉर रिएक्ट, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, बट देर इज बिग डिफरेंस, वी कैनॉट कंसिडर बोथ आर वन. रिएक्ट जब हम करते हैं तो हमारा जो एक यू कैन से दैट अपशॉट होता है, जो कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट होता है बहुत प्रभावित होता है और रिस्पॉन्स से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. रिएक्ट यूजुअली नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और जो रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है. जैसे कि एक्सीडेंट एक शब्द होता है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को हमेशा हम बैड कंसिडर करते हैं. एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, हिंदी दुर्घटना बनता है. और इंसिडेंट की बात करें या इवेंट की बात करें या एपिसोड की बात करें, इन सब का मीनिंग होता है घटना. यानी कि एपिसोड गुड बैड हो सकता है, इवेंट गुड बैड हो सकता है और जो एपिसोड कहा इंसिडेंट है, जैसे इंसिडेंट भी गुड बैड हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट तो डेफिनेटली नेचुरली बेसिकली ये तो बैड ही होता है. ऐसा नहीं बोल सकते कि गुड एक्सीडेंट. तो वैसे रिएक्ट को हम यूजुअली नेगेटिव सेंस में कंसिडर करते हैं और रिस्पॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में होता है.
तो ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, मैं फिर से इसको रिसाइट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट प्लस आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटकम। तो ये फॉर्मूला लाइफ को चेंज करने वाला फॉर्मूला है यदि हम इसको डीपली समझें। देखिए, इवेंट्स से लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट कैन नॉट चेंज आर लाइफ लिटल बिट। इवेंट चाहे कोई भी हो, लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं, यानी किसी ने आपको किसी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक पर अपसेट कर दिया, किसी ने आपको कुछ, यू कैन से दैट, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा यू कैन से दैट एक्सप्रेस किया जिससे कि आप काफ़ी बैड फील किया। इन डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स आई थिंक दैट लाइफ में हर कोई इवेंट होता है। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं या किसी को कन्विंस कर रहे हैं, यानी कि हर कोई तो लाइफ में इवेंट होता है। अब इवेंट अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो इवेंट से हमारी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला गाइज, कुछ भी नहीं। यदि हमारा रिस्पॉन्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आउटकम पूरी तरह से हमारे रिस्पॉन्स पर बेस्ड होता है। यदि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है, पॉजिटिव है, तो इवेंट चाहे इतना बेहतर ना भी हो लेकिन हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है तो हम इवेंट को बड़ा कर सकते हैं, इवेंट को ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं जिससे हमारा आउटकम पॉजिटिव आए। और यदि हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं है तो अच्छा इवेंट भी खराब हो सकता है। इवेंट की सफलता, सक्सेस ऑफ इवेंट इज टोटली बेस्ड ऑन आर रिस्पॉन्स, आर परसेप्शन, आर थिंकिंग इन विच वे वी कंसिडर दैट इवेंट। If we consider that event in positive way, then we can boost the importance of that event. Or if we consider the event in negative way, so that we can less the importance of that event. So totally based on our considering, in which way we consider that thing. तो हम यदि response positive देते हैं guys, तो हम event की importance को बहुत बढ़ा सकते हैं, enlarge कर सकते हैं। और यदि हमारा रिस्पॉन्स निगेटिव है तो हम इवेंट की इम्पोर्टेंस को लेस कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम ख़राब कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स के बेस पर आपका आउटकम आता है। देखिए, इवेंट चाहे कितना ही ख़राब क्यों ना हो लाइफ में, कुछ भी बैड इवेंट हो लाइफ में, यानी कि पूरी तरह से यू कैन से दैट कन्फ्यूज़ करने वाला, पूरी तरह से शेक मूव कर देने वाला इंसान को, स्पीचलेस बना देने वाला इंसान को, स्टंड कर देने वाला इंसान को, एनी काइंड ऑफ डिफरेंट कैसा भी क्यों ना इवेंट हो, यदि हमारा रिस्पॉन्स सही है, यदि हमारा एटीट्यूड सही है, तो हम आउटकम को बदल सकते हैं। आई थिंक दैट देर इज़ अ नीड ऑफ एन एग्जाम्पल एंड यू विल नो बेटर अबाउट इट दैट वॉट इज़ दिस फार्मूला। देखिए, आप सभी ने मैथमेटिक्स फार्मूलाज याद किए हैं, आपने सभी फिजिक्स किए, केमिस्ट्री के बहुत सारे फार्मूलाज याद किए, लेकिन आई डोंट थिंक दैट कि कोई भी आप अपनी लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट किए तो हो डेफिनेटली, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है आपको, मुझे नहीं लगता। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन फार्मूलाज का कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते, वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूलाज इन आर प्रैक्टिकल लाइफ। वो अलग है कि यदि हम ऑफिशियल लाइफ में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बेस पर तो वो फार्मूलाज यूज होते हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन वो किसी डिफरेंट प्रोफेशन में है, तो वो फार्मूलाज कहीं काम नहीं आ रहे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये फार्मूला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ। तो गाइज, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इवेंट चाहे कैसा भी हो, इवेंट आपकी लाइफ में लिटिल बिट चेंज भी नहीं ला सकता यदि आपका रिस्पॉन्स सही नहीं है। रिस्पॉन्स पर आउटकम आता है, आउटकम जो भी होगा वो इवेंट से रिलेट नहीं होता है। जो फीडबैक मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम होगा, उसका सीधा कनेक्शन आपके रिस्पॉन्स से होता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इवेंट से। देखिए, इवेंट तो होना जरूरी है लाइफ में, इवेंट लाइफ में होगा तो ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। अगर इवेंट नहीं है तो रिस्पॉन्स कहाँ से देंगे। इवेंट तो एक बेस है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, स्टार्टिंग है। अब इवेंट होने के बाद वो अच्छा है बुरा है ये तय करता है हमारा रिस्पॉन्स। यदि इवेंट बुरा है और आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो आउटकम आपके अकॉर्डिंग आएगा, इवेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। यदि आपका इवेंट जो है बहुत अच्छा है और आपका रिस्पॉन्स बहुत बुरा है, तो अच्छा इवेंट होने के बावजूद भी रिस्पॉन्स आपका बुरा है तो आउटकम आपकी बुरी होगी, वो रिस्पॉन्स के बेस पर होगी। इसलिए टोटली फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, यू कैन से दैट आपका जो कॉन्सेंट्रेट आप करोगे पूरी तरह से इस पॉइंट के ऊपर, वो पूरा का पूरा आपका रहेगा रिस्पॉन्स के ऊपर, यानी कि रिस्पॉन्स इज द सेंटर पॉइंट।
एंड टोटली बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस है. थॉमस अल्वा एडिशन, यानी कि जिन्होंने लाइट का हुआ बल्ब का आविष्कार किया है, इन्वेंट किया उसको, जिसकी वजह से हम सब चीज़ें अब आसानी से ईजिली उन चीज़ों को प्रॉपरली विजिबली उन चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं. यानी कि अगर लाइट, कल्पना कीजिएगा, यदि लाइट ना हो, बिजली ना हो, तो कैसे काम चलेगा, है ना. यदि बल्ब नहीं है तो कैसे वो चीज़ें जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो पावर होती है, और वो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से भी नहीं कहेंगे, अब बल्ब में जो रोशनी, मतलब उसमें जो लाइट आती है और वो डिस्पर्स होता है, उसके जो रेज होती हैं जिससे कि फैलाव होता है और चमक बनती है, रोशनी फैलती है, जिससे कि हम सब चीज़ें आसानी से देख पाते हैं. ये सारी चीज़ें जो है ना, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जैसे भी है ये. तो मेरा ये मतलब नहीं कि मैं आपको साइंटिफिक प्रोसेस समझाऊँ कि लाइट जो वायर से सर्कुलेट होती है, फिर वो उस ग्लास के बने हुए बल्ब या फिर जिस भी चीज़ से बनता है उसके अंदर वो पहुँचती है, तो वहाँ पर किस प्रकार से वो इतना रिफ्लेक्शन होता है, इतना शाइनिंग होता है, ये डजेंट मैटर. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट दैट. ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लाइट है, बल्ब है, जो उसका अभी आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिशन, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को. ये कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर कोई इतना डिफरेंट और सीक्रेट वाला कोई पॉइंट नहीं कि आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ को क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ से, कि कैसे हमारा रिस्पॉन्स, कैसे हमारा रिस्पॉन्स आउटकम को चेंज कर सकता है. थॉमस अल्वा एडिशन की पांच माला बिल्डिंग, फाइव स्टोरी बिल्डिंग जो सीक्वेंस में बनी हुई थी, जहाँ उसकी लेबोरेटरी, उसके कितने सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट वो जो उसमें वहाँ पर थे, और काफ़ी सारे फार्मूलाज उसके वहाँ पर रखे हुए थे, पूरी लाइफ का पूरा जो कम्प्लीटली जो रिजल्ट कह सकते हो एक प्रकार से, सॉल्ट ऑफ जिस्ट ऑफ लाइफ पूरा, वो वहाँ पर वो था, उसकी लेबोरेटरी वगैरह सब कुछ. अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मैसिव फायर, बहुत भयंकर आग लगी, और आग लगी तो पूरा बिल्डिंग जो फाइव स्टोरी बिल्डिंग था, जो सीक्वेंस में था, वो धुआं धुआं करके जल रहा, पूरा स्वाहा समाप्त, भयंकर आग लगी हुई. तो अब आग लगी थी तो उसका बेटा जो है थॉमस अल्वा एडिशन का, 7 ईयर ओल्ड, उसने दरवाज़ा नॉक किया. उसने कहा कि डैडी देखिए क्या हो रहा है. तो थॉमस अल्वा एडिशन बाहर आते हैं और उन्होंने देखा कि उसका जो सीक्वेंस में जो फाइव जो बिल्डिंग थी, वो फाइव स्टोरी बिल्डिंग, वो सब की सब जल रही है भयंकर आग में. तो उसने कहा अपने बेटे से कि जाओ अपनी मम्मी को लेकर आओ, बुला के लेके आओ. तो बेटा दौड़ा दौड़ा गया और अपनी माता जी को बुला के लेके आया. तो माता जी दौड़ी दौड़ी आई कि अर्जेंट एकदम से ऐसे कैसे उन्होंने बुलाया. तो उसने अपनी वाइफ से कहा, थॉमस अल्वा एडिशन ने, कि देखो. तो उसने कहा क्या, देखो कितनी सुंदर आग लगी, तुमने ज़िंदगी में इससे खूबसूरत आग नहीं देखी होगी. अब वाइफ ने कहा, पागल हो गया, मतलब बिल्डिंग सारा, सारे एफर्ट्स, पूरे ज़िंदगी की कमाई, जितना भी तुमने कमाया वो सब कुछ जलकर राख हो गया, तुम कह रहे हो कितनी सुंदर आग लगी है, मतलब बैलेंस इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है. यानी कि यू कैन से दैट शॉक्ड इंसान हो जाता है तो मेंटली बैलेंस ख़राब हो जाता है. लेकिन नहीं, सारी बातें होश आवास में कहीं. उसका कहने का मतलब यही था कि जो चीज़ हो गई है, अब आप ये मुझे बताओ कि वो इंसिडेंट कैसा रहा होगा, वो इवेंट कैसा रहा होगा, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक, यानी कि इंसान को अटैक देने वाला इंसिडेंट रहा होगा. यूजुअली हमारे लाइफ में ऐसा हो जाए तो शॉक्ड हो जाए, सदमे में चले जाए इंसान, बचे ना. लेकिन टोटली डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, वॉट एवर दैट इन लाइफ, विच टाइप ऑफ इवेंट डजेंट मैटर, मैटर इज ओनली द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन और रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन, इन विच वे द पर्सन इज कंसिडरिंग दैट बैड इवेंट, दैट इज आउटकम. जैसा वो सोचता है उसके हिसाब से आउटकम आएगा. लेकिन उसने इतना सीरियस लिया ही नहीं उसको. उसने कहा ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, जो भी हो रहा है वो सब ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट. और शाम के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि ऑल्दो आई एम ओवर 67 ईयर ओल्ड, कि मैं हालांकि अभी 67 ईयर ओल्ड हो गया हूँ, इन स्पाइट ऑफ इट फिर भी आई विल स्टार्ट ओवर अगेन टुमारो, मैं इसको फिर से शुरू करूँगा, फिर से मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा, और जो गलतियां मैंने आज तक की हैं वो सारी गलतियां आगे मैं इसमें नहीं करूंगा. क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो उसने कहा कि बेहतर हुआ मेरी लाइफ में ये सब, कि जो जो गलतियां मैंने की हैं, इतना टाइम लगाया, अब वो गलतियां मैं अवॉइड करूंगा और डायरेक्टली प्योरिटी के साथ, पाइसनेस के साथ, एग्जैक्टिट्यूड के साथ,
और करेक्टनेस के साथ अपने काम को करूँगा और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें मैं अचीव कर लूँगा। तो गाइज इसको बोलते हैं कि नेगेटिव और बिग इवेंट यानी बैड इवेंट का जो रिस्पॉन्स है उसने आउटकम को डिसाइड कर दिया कि क्या होगी। नहीं तो अगर उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव होता और वो शॉक्ड हो जाता तो उसकी लाइफ इन डेंजर, तो उसका लाइफ समाप्त हो सकता था। आउटकम क्या होता, बहुत खतरनाक होता। लेकिन ऐसे खतरनाक इवेंट को उस व्यक्ति ने अपने रिस्पॉन्स के पावर से, अपने एटीट्यूड के पावर से उसका आउटकम बदल के रख दिया गाइस, जो कि 1% लोग ऐसा कर पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजिबल और यू कैन से दैट ब्रिलियंट लोग होते हैं, बहुत ही वेटरन लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ को जिया ही नहीं बल्कि उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, फील किया, उन चीज़ों को महसूस किया एग्जैक्टली, बहुत कुछ डिफरेंट उन्होंने लाइफ में अनुभव किया होगा। तो गाइस ये जो वीडियो बनाने का पर्पस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यही है आपको ये समझाने का कि लाइफ में इवेंट हमारे ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता यदि हमारा रिस्पॉन्स, यदि हमारा रिस्पॉन्स उस इवेंट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग है, यदि हमारा इवेंट बहुत बुरा है तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लाइफ में, हमारी आउटकम को प्रभावित नहीं कर सकता यदि हम उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करें या फिर उसको अच्छे वे में देखें। तो रिस्पॉन्स जस्टिफाई करता है कि आउटकम क्या होगी, ना कि इवेंट। लेकिन आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग पता नहीं कैसे कैसे मिलते हैं, कई लोग बहुत इरिटेट करते हैं, कुछ बहुत पिंच होने वाली बात कह जाते हैं, हर्ट होने वाली बात कह जाते हैं, तो हम उनका कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो टोटली हमारे साथ क्या होना है, हम दुखी होंगे, अपसेट होंगे, वो बेस्ड है टोटली हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर, हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। यदि हम रिस्पॉन्ड नेगेटिव वे में कर रहे हैं तो आउटकम भी बुरा ही आना है, और यदि हम उसको अदरवाइज ले रहे हैं, पॉजिटिविटी से ले रहे हैं कि दैट इज़ द हैबिट एंड वर्क ऑफ दिस पर्सन, दैट आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन, व्हाट इज बीइंग सेड बाय दैट दिस पर्सन, तो फिर आउटकम तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा गाइज। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लाइफ में होते हैं कि, और देखिए जैसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ में पेरेंट्स से बढ़कर तो कंट्रीब्यूशन और एक इंटरफेयर किसी का होता नहीं है, स्टूडेंट्स की लाइफ में उनके पेरेंट्स से ज़्यादा इंटरफेयर किसी का नहीं होता है। तो कई बार बच्चे 95, 99, 98% आने पर भी सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, इससे बड़ा बैड डेस्टिनी या फिर फॉर्चून क्या होगा कि 99, 98% मार्क्स उनके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स उनके दिमाग में डालते हैं कि तुमने 99% कुछ नहीं लिया या फिर तुमने उतना बेहतर काम नहीं किया तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए पढ़ाई जो है ना, एजुकेशन जो है, वो हमारे फ्यूचर में सक्सेस का पैरामीटर नहीं हो सकता, पढ़ाई नहीं डिसाइड कर सकता, या फिर पढ़ाई में कितना आपने अचीव किया है, कितना आपने डिग्रीज इकट्ठा किया है, कितना स्कोर किया है, या कितने बच्चों से आप आगे हो, या कितनों को कम्पीट किया है, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होना है। इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज़ में कंपटीशन ज़रूरी नहीं होता है, बच्चों का अपना एक लाइफ होता है, अपना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, अपना खुद का टैलेंट होता है, उनको उस टैलेंट पर काम करने दीजिए, उनको प्रेशराइज ना करें कि आप उससे आगे निकलना, बल्कि आप उनको ये कहिए कि कितनों को साथ लेके आगे निकलना है, यानी कि सबको पीछे धकेल कर निकलना है, चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो, किसी भी तरीके से सबको कम्पीट करना है, तुम्हें आगे आना है, ये नेगेटिव थॉट नहीं डालनी चाहिए। देखिए आप बच्चे को पॉजिटिव बनाइए तभी बच्चा आगे लाइफ में चलकर कुछ अच्छा इंसान बनेगा, नहीं तो वो भी हमेशा प्रोडक्ट की तरह काम करेगा कि मुझे सिर्फ आगे जाना है या मेरे बच्चों को आगे जाना है, बाकी किसी का नुकसान हो डजेंट मैटर, तो ऐसा नहीं बनाना है। और ये जो केसेस बनते हैं सुसाइड अटैम्प्ट के, इसलिए बनते हैं क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, इतना परसेंटेज आपको मार्क्स आना चाहिए। अब देखिए अगर पढ़ाई जो है ना, अगर हमारी सफलता का पैरामीटर होती गाइस, तो एप्पल के ऑनर एप्पल नहीं बनाते, उस प्रोडक्ट को तैयार नहीं करते, उस डिवाइस को नहीं बनाते, उनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उनका जो बिजनेस, उसका जो काम था वो पढ़ाई के फॉर्मूलाज पर नहीं था, ठीक है, उसका इन्वेंशन जो भी रहा है। और यदि पढ़ाई पैरामीटर होती गाइस, तो फिर आप जानते हो बिल गेट्स नहीं होते, जो बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन भी नहीं किया था उन्होंने कंप्लीट अपना 12th पास आउट, ये उनका अपना टैलेंट था जो उनको इतना लाइफ में आगे लेके गया। और यदि पढ़ाई पैरामीटर होती गाइस, तो सचिन तेंदुलकर नहीं होते, जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को इतना स्ट्रेस मत लीजिए उसका कि आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो ख़राब हो जाए।
या फिर आप अगर पढ़ाई में अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर उतना नहीं हो पाया जो एक्सपेक्ट किया था, तो आप लाइफ को डेंजर में डाल दो, लाइफ को आप ख़त्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आपकी पढ़ाई में जो आपको ने एक्सपेक्ट किया था स्कोर का वो नहीं मिला, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड स्कोर आपकी लाइफ की सक्सेस को डिसाइड नहीं करता। आप रियली व्हाट यू आर रियली इन योर सेल्फ ये डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। स्कोर आगे पीछे होता रहता है, आप कितने अच्छे इंसान हो, कितना बेहतर लाइफ में कर सकते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप एक्चुअल में क्या हो, ना कि आपके ये परसेंटेज आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। परसेंटेज लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं अनफॉर्चुनेटली आती है तो आप इतना स्ट्रेस मत फील कीजिए कि आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाए। आप कोशिश कीजिए कि और बेहतर करें, और बेहतर करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। तो अगर बच्चे का स्कोर कम आता है तो इवेंट तो बुरा है, लेकिन अगर बच्चे का रिस्पॉन्स सही है तो लाइफ में जो आउटकम मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। यस, इवेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका रिस्पॉन्स तय करेगा कि आउटकम क्या आना चाहिए। तो ये मेरा पर्पस था गाइस वीडियो बनाने का, आपको समझाने का। एंड नाउ इट इज़ 20 मिनट्स पास 2, 8:20 हुआ है। इट इज़ द राइट टाइम टू माइग्रेट फ्रॉम दिस प्लेस टू माई होम, टुवर्ड्स माई होम, यू कैन से दैट पर्टिकुलरली। सो आई थिंक दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली एंड आई होप दैट यू विल इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली फेस डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस इफ़ यू रियली अडॉप्ट इट। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर हम जानते भी हैं या नहीं भी जानते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी बेहतर चीज़ें होती हैं, जो लाइफ की बेटरमेंट के लिए होती हैं, उनको पॉजिटिवली हम सीखें। यस, तो उम्मीद ये करते हैं कि आपकी लाइफ की बेटरमेंट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगी, और यदि कहीं भी आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको चेंज मिलेंगे लाइफ के अंदर। सो दैट आप वीडियो को इसी पॉइंट पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कि ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए ये वीडियो, आई होप सो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि अभी आप इसको डेफिनेटली इन माई साइड दैट यू आर वॉचिंग, इट लुक्स मी दैट ओके। So wish all the best, God bless you and thank you once again.